नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान एग्जामपुर क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एक बार फटाफट से आप लोग सभी जुड़ जाइएगा। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सेशन में कुछ आज थोड़ी देरी हो गई तकनीकी कारणों की वजह से, तो ऐसा हो जाता है क्योंकि देखिएगा मशीन है और भी स्वाभाविक है, तो आप लोग कॉपरेट करेंगे और अपन मिल के आज के सेशन की शुरुआत करते भाई। तो चलिए, आज का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान में रखिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या है, सारे ही चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ भाई, यहाँ पर थोड़ा पेन देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा है, क्योंकि आज दूसरे स्टूडियो में क्लास है, तो यहाँ थोड़ा मेरे को आज सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। गीदड़ नृत्य, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पता किसका करना है रे, नहीं को देख लो, किसको देख लो, नहीं को देख लो। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का, बिल्कुल सर सही है। मारवाड़ का डांडिया, बिल्कुल सही है। ढोल जालोर का नहीं, अरे बम रसिया बीकानेर का कहाँ आएगा, बम रसिया तो ब्रज क्षेत्र भरतपुर के साइड में आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर दे रहे हो भाई, और ऐसे ही आंसर आप लोग देते रहेंगे। तो यहाँ पर डी लगा देंगे, डी आंसर लगा देंगे सभी के सभी। चले आगे आगे आ जाओ, अगला है आपका क्वेश्चन, बिलो द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पीटीटी का लास्ट डेट पता है ना, 19 है, तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा, पीटीटी का लास्ट डेट आपको पता है 19 है, और कल आपका पीटीटी का लास्ट है। तो आप लोग वहाँ से, जो भी जिन्होंने भी पीटीटी का फॉर्म सबमिट नहीं किया है, शिक्षक बनने का आप सपना रखते हो, सर बहुत लेट कर दी, देखिएगा आज थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, इस वजह से लेट हो गया, सॉरी। आप सभी से लाइक शेयर कर दो तुम सेशन को फटाफट से, मैं पीटीटी की बता रहा था आपको, पीटीटी का फॉर्म भर देना आप लोग सभी, टीचर बनने का सपना है तो, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ भाई, अब मैं आपको बता रहा था कि बिलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है, क्या कहलाता है, बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या कहलाता है। अरे ये प्रश्न आपके एसआई में भी आया, आरपीएससी का भी पसंदीदा सवाल है, यहाँ पर हाथी मना नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य है जो बिलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, हाथी मना, कौन सा आएगा रे, हाथी मना आएगा विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर क्या आएगा, हाथी मना आएगा भाई। चले अगले क्वेश्चन की ओर, आंसर भी देते रहो तुम लोग, यहाँ पर हाथी मना, हाथी मना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा तैयारी को, पढ़ रहे हो आप पढ़ो, बिल्कुल परीक्षण करो, यहाँ पर आप लोग लाइव टेस्ट, एक तरह से आपका पीटीटी बीएसटीसी का है, और इस लाइव टेस्ट में आप लोग अपना आकलन कर लो, क्योंकि भाई सर ये बैठकर किया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और देखिएगा आकलन करो आप, आकलन करने के लिए तो आपके लिए सेशन लगाए गए। गराशियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। अब आपको ये सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है ना, माध्यमिक आपकी शिक्षा बोर्ड की अगर कोई बुक पढ़ रहा है, और उसमें एक बुक चलती है आपका राजस्थान अध्ययन, कौन सा अध्ययन रहे, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक चलती है ना, उस पुस्तक से रिलेटेड ये सारे सवाल है, और उस पुस्तक का रिलेटेड जो सवाल है ना, वो आपके एग्जाम में आपको ऐसे हूबहू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि गराशियों द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, संकरिया, बागड़िया, वालर और गुड़ला। अब मैं आपको बताऊंगा, संकरिया बागड़िया ये तो क्या है, कालबेलियाओं के नृत्य, बिल्कुल बहुत ही शानदार। अब सुन लो रे भाई, कौन सा आपका है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर आ जाएगा वालर आ जाएगा, लाड लो वालर। अगर मैं बात करूँ बाईपास एक ट्रिक होती है, बागड़िया, इंडोनी, पणियारी और संकरिया, ठीक है, ये हो गया आपके चार, बागड़िया, दूसरा हो गया इंडोनी, बाईपास बागड़िया, इंडोनी और संकरिया, ठीक है। तो ये आपके किसके हो गए रहे, यहां से ध्यान रखिएगा लाडलो, ये आपके कालबेलिया के नृत्य हैं। तो यहां से मैं बात करता आपके बीच, यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा यहां पर आपका, वालर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वालर हो जाएगा, जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। बाईपास ट्रिक याद कर लेना, चार नृत्य हैं जो आपके किसके, कालबेलियाओं के नृत्य है ना, कालबेलियाओं के जो चार नृत्य हैं, बागड़िया, संकड़िया, पणिहारी और
ये चार हो जाएंगे उसमें, ट्रिक रहेगी आपकी बाई पास बागड़िया इंडोनी पणियारी और संकरिया चार नृत्य हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा? ग्रह से जनजाति में मिठाई रखने से शादी पक्की मानी जाती है क्या सर? अच्छा, शादी पक्की मानी जाती है क्या भाई? पक्की? अब यहां पर एक बार तुम राज्यपाल का बताओ, उसका भी बताएंगे तुमको। अरे राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 154 नहीं, 155 नहीं, यहाँ पर 165। अरे ये तो मामला अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 153, 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा भाई? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। अब सुन लो, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक होता है सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन होता है वो क्या कहता है कि एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक है, जो आपके राज्य राज्यों का, दो राज्यों का भी हो सकता है भाई, दो राज्यों का क्या बनाया जा सकता है राज्यपाल। जैसे उसमें क्या दे दिया जाता है उसको, अतिरिक्त अतिरिक्त प्रभार। जैसे कोई राजस्थान का कोई राज्यपाल है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये सारी पावर केंद्र के पास होती है, तो क्या दे देते हैं उसको, अतिरिक्त प्रभार दे देते हैं कि भाई आप लोग हिमाचल के हो तो राजस्थान का भी संभालो, और आप हरियाणा के हो तो राजस्थान का भी संभालो। तो ऐसे दो राज्यों को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 153 में है हर एक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। आ जाओ भाई 104, 104 में क्या है आपका, राज्यपाल अपने पद पर कब तक धारण रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक धारण रह सकता है? तो राज्यपाल अपने पद पर कब तक, कब है ये, कब तक धारण रह सकता है, यानी कब तक रह सकता है? 5 वर्ष तक। अरे 5 वर्ष तक रह सकता है, संसद के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक या कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो 5 वर्ष तक एक सामान्य कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? अरे सामान्य अगर कार्यकाल आपसे पूछ लें तो सामान्य होता है आपका 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। संसद का तो कोई इसमें मामला ही नहीं है। अब ये देखिएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर क्या करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है, और उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी क्या ली जाती है, सलाह ली जाती है, सीएम से भी। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा आप लोग क्या, कि आपका जो है ना राष्ट्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सभी सी आंसर लगा देंगे। क्या लगा दोगे रे? सी आंसर लगा देंगे ना सभी के सभी। देखता हूँ कौन कौन आंसर दे रहे हैं। सी दे रहे हैं, सी सी, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे राजस्थान, सारे सी आंसर दे। कुछ तो क्वेश्चन आंसर भी डिलीट मार रहे हैं भाई, आंसर डिलीट मार रहे हैं भाई, ऐसा क्यों रहे? किसे हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाता? राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में बिल्कुल सही है, महाभियोग है। नियंत्रण है मालिका परिषद के लिए, राज्यपाल है। अरे भैया यहाँ पर राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाता, राज्यपाल तो आपके महाभियोग, अब ये आपका क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है कौन? अरे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, प्रसाद और पर्यंत तक ही रहता है कौन? आपका राज्यपाल। तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा राज्यपाल आ जाएगा। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर सारे स्टूडेंट सी आंसर लगा देंगे। एक बार मैं तुम्हारे आंसर देख लेता हूँ, क्या लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे। सी सी लगा रहे हैं भाई, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर राज्यपाल आ जाएगा, आ गया। जाओ अगला सवाल है। संविधान का अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। संविधान के आ जाओ भाई, अब आपको बताना है कि आपका जो राजस्थान का सीएम होता है ना वो क्या होता है। अरे मुख्यमंत्री की क्या होती है बताओ। देखा निर्वाचन होता है क्या, कहीं आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव हो रहा है, जनता वोट डाले? नहीं, विधायक का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है। आप लोग विधायक को वोट डालते हो या मुख्यमंत्री को खुद को वोट डालते हो? नहीं, आप लोग विधायक चुनते हो, और विधायक चुनने के बाद सी बता रहे हो भाई, सी देखते हैं अभी क्या होता है। चयनित नहीं, मनोनीत नहीं। पहला मनोनीत कौन था रे? निर्वाचित तो टीका राम पहली बार, और मनोनीत कौन था? हीरालाल शास्त्री। तो यहां पर होता है भाई नियुक्ति। अरे अपॉइंटेड होते हैं कौन?
यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, डी आएगा डी, शानदार शानदार, मुख्यमंत्री की होती है नियुक्ति। तो यहाँ पर सारे ना तो चयन होता है, चयन 200 विधायकों में चयन कर लिया नहीं, इनके नियुक्ति होती है कि आप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए जाते हो, तो यहाँ पर डी आंसर लगाएंगे आप लोग। आगे आ जाओ, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राजस्थान में जो संसदीय सचिव होता है ना, किसके समक्ष शपथ लेता है, यानी समक्ष का मतलब यह समझने का प्रयास करो कि संसदीय सचिव किसके समक्ष, जैसे आपके विधायक वगैरह होते तो राज्यपाल के द्वारा ऐसा होता है, अब यहाँ पर ये बात पूछ रहा है आपको किसके समक्ष शपथ लेता है, तो यहाँ पर जो संसदीय सचिव है ना, एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष शपथ लेता है, उसके सामने शपथ लेता है। अब आप लोग बोलोगे सर संसदीय सचिव की लफड़ा क्या है, संसदीय सचिव का लफड़ा है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि संसदीय सचिव इसलिए बनाए गए क्योंकि देखिएगा आपको पता है विधानसभा में एक उपबंध है कि राजस्थान में कितनी ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, मुख्यमंत्री आपका कितने रहे 29+1, ठीक है 29+1 यानी 15% से टोटल कितना रहे 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, तो 200 को 15% हो जाएगा आपका 200 विधानसभा की सीटें रखनी है, तो यहाँ का 100 का 15 तो 200 का 30 हो गया, तो मुख्यमंत्री सहित राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, विधायक तो 200 है, कुछ नाराज होंगे कि नहीं होंगे, किसी को कल्याण बोर्ड का, किसी को किसान कल्याण बोर्ड का, किसी को कुछ का, किसी का कुछ का, ऐसे अध्यक्ष बना देंगे, फिर बाकी बचेंगे उनको क्या बना देंगे, कुछ एक नई संसदीय व्यवस्था, ये संसदीय सचिव का नया प्रोग्राम शुरू किया गया था, अब इसमें क्या कर देंगे, इनको कुछ करने के लिए बोला इनको संसदीय सचिव बना देते हैं, तो ऐसे ही पद है एक तरह से राजनीति में, इनको बैलेंस करने के लिए पद का निर्माण किया गया संसदीय सचिव, ऐसा संविधान में इसका उल्लेख नहीं था पहले। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री के समक्ष लेता है कि मुख्यमंत्री चाहता है भाई इनको भी थोड़ा खुश कर देते और नहीं तो बागी हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, तो ऐसा ही संसदीय सचिव माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है। यहाँ से आप लोगों को ये सारा फैक्ट क्लियर हो गया होगा। चले आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? अब आपसे पूछ लिया कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी, सवाल आपके सामने है सुमित्रा सिंह वसुंधरा राजे, राजस्थान की पहली महिला सीएम है ये, ठीक है ये ध्यान रखना। अब यहाँ से आपके सामने सवाल है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो अध्यक्ष के बारे में बताओ आप, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा आपका कौन बनी रहे, सुमित्रा सिंह बनी थी भाई, कौन सुमित्रा सिंह। अगर आपसे पूछ लूं कि वर्तमान आपका जो विधानसभा है ना, वर्तमान जो आपका विधानसभा कौन सा है, 15वीं विधानसभा है, लोकसभा 17वीं है, 17वीं लोकसभा है, ये ध्यान रखना 17वें नंबर की, ऐसे ध्यान रखना लोकसभा। अब यहाँ पर आपकी 15वीं विधानसभा है ना, इसके अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, बस ये ध्यान रखना, और आपकी 17वीं जो आपकी लोकसभा है इसके अध्यक्ष आपके ओम बिड़ला, कौन है भाई ओम बिड़ला, ये है ना आपके जो आपकी 17वीं लोकसभा की है, तो ये सारा फैक्ट याद रखना, यहाँ पर आ जाएगा आपको पहली महिला सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा देना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? अब सवाल फिर आपके सामने, ये बेसिक सवाल आपके पीटीटी और ऐसे सवाल आपके बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, महारो प्यारो राजस्थान, अच्छा बहुत ही शानदार, लाइक शेयर लाइक तो कर दो, 11 स्टूडेंट देख रहे हो तो 11 लाइक तो होनी चाहिए ना। चले अब आ जाओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो, अरे भाई पहली महिला पूछा है आपसे कि ऐसी महिला बताओ जो जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो ऐसी महिला आपकी कमला बेनीवाल को क्या मिला था, मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, मंत्रिमंडल में क्या मिली इनको, जगह मिली ना भाई, कहां पर मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली थी, कौन है, कमला बेनीवाल को। आगे आ जाओ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेस अध्यक्ष थे, गजब सवाल है भाई, अरे गैर कांग्रेसी सरकार आपकी भैरव सिंह शेखावत के समय राजस्थान में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अब यहां पर आपसे पूछ लेगा कि अध्यक्ष, अच्छा सर आवाज कम है, अच्छा मैं देख लेता हूँ एक मिनट, अब यहां पर आपसे पूछ लेगा कि अध्यक्ष,
अच्छा सर आवाज कम है, देखो काफी आ रही है आवाज, दबा के आ रही भाई आवाज। क्या चाहोगे तुम, और तेज बोलूं? चलो भाई तेज बोलेंगे। अब सुन लो रे सवाल, आप बताना है आपको राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेस अध्यक्ष, अरे प्रथम गैर कांग्रेस अध्यक्ष की बात आती है, लक्ष्मण सिंह कौन थे आपके? लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी राजस्थान विधानसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे भाई, अध्यक्ष थे। कौन? लक्ष्मण सिंह, याद रख लेना, लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। समझ में आ गया बिल्कुल? तो चले आगे, यहां से थोड़ा आवाज मैंने स्पीड कर ली भाई, अब आवाज को थोड़ा सा मैंने गले को आराम दे दिया था, मेरे क्या है दर्द हो रहा था, तो चलो थोड़ा तेज बोलेंगे। राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15% सदस्य अभी बताया मैंने आपको, 29+1 कर देना। मुख्यमंत्री सहित पूछे, सवाल की लैंग्वेज देखना, अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री आपका ऐसे आएगा सवाल, मुख्यमंत्री सहित कितने होंगे? मुख्यमंत्री सहित होंगे आपके आपके 29+1, मुख्यमंत्री के अलावा आ जाए, मुख्यमंत्री के अलावा कितने सदस्य होंगे? के अलावा आ जाए तो 29 सदस्य होंगे। दोनों लैंग्वेज का ध्यान रखना, और ये 15% हो सकते हैं अधिकतम, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां से बिल्कुल अब आ रही है आवाज, ठीक है? अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही? चलो आगे, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? अब आपको बताना है कि आपका मल्टीपर्पज जो आपकी जो ये आती है मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देश्य जो आपकी नदी घाटी परियोजना है, जो रिवर प्रोजेक्ट है, उनके बारे में क्या कहा है भाई? आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, यानी आधुनिक जो हमारा भारत है उसका मंदिर है ये आपका बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, और ये किसके द्वारा कहा गया है? अरे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे भाई। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र बाबू। इंदिरा गांधी पहली महिला पीएम थी भाई ये, और आयरन लेडी भी बोलते हैं इनको, आयरन लेडी, आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद आपके राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, और ये तो आपको पता ही है, गांधी जी के नोटों पर फोटो भी आती है, तो आप लोग देखते हो गांधी जी की कितनी कीमत है। आ जाओ भाई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट? आधुनिक भारत के मंदिर कहा है भैया किसने? चाचा नेहरू ने कहा है। किसने कहा है? चाचा नेहरू ने कहा। लाइक कर दो भले आदमी, तुम कंजूसी कर रहे हो, गला तो मेरा दबा के बुलवा रहे हो। बोलो सर, तेज बोलो, तेज बोलो, पर तुम आवाज को तो थोड़ा लाइक तो करो। भारत में हरित क्रांति के जनक, अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि आपका श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, अरे श्वेत क्रांति के तो कौन थे? वर्गीज कुरियन थे, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में आपके हरित क्रांति के जनक थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? 1966-67 में आपका हरित क्रांति शुरुआत होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक इसका प्रभाव सीमित रहा। गेहूं और चावल, गेहूं व चावल की फसलों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखेगा। एमएस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन ऑपरेशन, आपका श्वेत क्रांति 1970 के दशक में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपका श्वेत क्रांति शुरुआत की गई। कहाँ से रहे लाडलो? गुजरात से श्वेत क्रांति। तो यहाँ से ध्यान रखना, आपका एमएस स्वामीनाथन ठोक देना और आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लाइक शेयर कर दो फटाफट, देखिएगा। भगवान गले में दर्द करवा दिया। चलो भाई कोई नहीं, आपके लिए तो करेंगे, आपके लिए करेंगे, दिल में आग है, उस आग को जिंदा रखेंगे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है, जब नहीं है ना एग्जाम में तो उसके ऐसे घोड़ा लगा लिया करो, मेरी आदत है नहीं है, मैं हाथों हाथ घोड़ा लगा लेता हूँ उसको, फिर जैसे अपन देखेंगे ना। अरे हरित क्रांति, गेहूं और चावल मैंने आपको बताया, ठीक है डन, ये राइट है। पीली क्रांति ऐसे याद रख लो, पीत, पीत से पीली और ती से तिलहन, बिल्कुल सही है। और श्वेत आपको पता है, श्वेत दुग्ध से है 1970 में। वर्गीज कुरियन अभी चर्चा की थी हमने, वर्गीज कुरियन। अब आ जाओ भाई नीली क्रांति, अरे नीम, नी से नीली और मैसे मत्स्य, नी से नीली और मैसे मत्स्य, अंडा नहीं आएगा भैया, अंडा नहीं आएगा, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नीली नीम, नी से नीली और मैसे मत्स्य, तो यहाँ पर ये गलत हो गया आपका। क्या गलत हो गया? यहाँ पर अंडा नहीं आएगा, डी आ जाएगा आपका, सुमिलित है। चलो भाई
चलो आगे आ जाओ भाई। अरे वाह क्या गजब सवाल आया। अब आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। ये आ गया भाई सवाल। फिर देखो सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन, हॉर्टिकल्चर आपका फल उत्पादन में, और एपिकल्चर आपका अंगूर उत्पादन में। बताओ भाई देखो बताओ भाई देखो भाई एसी चल रही है बहुत भयंकर और दर्द होने लग गया सर। अभी ठीक हुए बताओ तुम इसका आंसर दो भाई देखो। अरे एपिकल्चर आपका अंगूर से नहीं है, एपिकल्चर आपका अंगूर से नहीं है। देखो सेरिकल्चर रेशम से हो गया शेर, और पीएम पी फॉर पी से पीसी हो गया आपको मत्स्य, हॉर्टिकल्चर आपको धान क्या होता है, तो एपिकल्चर आपका अंगूर से नहीं है। अब आपका यहाँ से ध्यान रखना इस चीज़ का, एपिकल्चर अंगूर से नहीं है, इसमें डी आएगा लाडलो, सी सी मच्चे पो गलत हो रहा है आपका, ये आपका गलत मत करो। अब देखो रबी की फसल पूछ लिया, कितना बेसिक सवाल आपसे, रबी की फसल पूछ लिया। अरे ये तो बता दो कि रबी की फसल बोले तो आपकी आपका ये मानिएगा शरद ऋतु में जो फसल बोई जाती है ना, जो रबी की फसल होती है, अमूमन बता रहा हूँ अपने अपने गांव की भाषा में, और जो खरीफ की होती है ना, जो अपना जो नहीं मैं कुछ उल्टा तो नहीं कह रहा, हाँ सही है, और खरीफ होता है ना जो अपने जो बारिश आती है ना, बारिश आती है बारिश के समय बोई जाती है, तो ये आपका खरीफ में आ जाएगी। अब सुन लो रे, अरे धान चना तो है बिल्कुल सही है, मक्का ये भी नहीं है और मक्का भी नहीं है, गेहूं मक्का तो खरीफ में आएगा, मक्का को क्या कहते हैं सियार खाने आ जाता है बारिश में आती है। देखो चना ये अगर रबी में आती है, गेहूं और सरसों ये तीनों ही रबी में आती है, तो यहाँ पर डी आंसर लगा देंगे। अरे खरीफ रबी में तो कोई कन्फ्यूज नहीं है ना, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, वो फसलें क्या कहलाती हैं, वो फसलें क्या कहलाती है आपकी। अरे जो रबी है ना अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती हैं, अक्टूबर एक मिनट रुको तुमको बता ही देता हूँ, अक्टूबर और नवंबर में तो आपका इनको बोया जाता है, और आपका मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है भाई, ठीक है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है किसको, रबी के फसलों को। यहाँ पर इनको जून जुलाई में तो बोया जाता है, जून जुलाई में, और आपका अक्टूबर के आसपास अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है, किनको आपका खरीफ को, ठीक है भाई खरीफ की फसलों को काट लिया जाता है। और जब बीच में अपन जो जायदगी करते हैं ना, जायद में अपन सब्जी वगैरह लगाते हैं, ये जायदगी फसलें हैं, जिनसे क्या कर लेते हो आप लोग कैश इनकम प्राप्त कर लेते हो, कैश आपका इनकम होता है ना, इनकम प्राप्त कर लेते हो आप जायद की फसलों से, तो आप लोग उसमें खरबूजा काकड़ी तरबूज, और आपको पता है इन दिनों बहुत तगड़े चल रहे हैं तरबूज वगैरह, खाओ पियो राबड़ी पियो और आराम से दिन में सोया करो, पर पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है भाई, ठीक है। राबड़ी वगैरह तो अब बढ़ने लग गई, आपको पता है गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, आ जाओ भाई गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, आपका जूट कपास सन और अश्वगंधा। अब आपको बताना है गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। अरे जो गोल्डन फाइबर होता है ना, यानी सुनहरा रेशा होता है आपका जूट, किसको कहते हैं आपका सुनहरा रेशा फाइबर, तो यहां से ध्यान रखिएगा आपका जूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा जूट आ जाएगा भाई। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आ गया सवाल, फंसोगे तुम अब फंसोगे, सवाल आ गया, अब दो आंसर, इस सवाल का आंसर दे दिया ना लाडले व्हाइट कॉटन बहुत शानदार, इस सवाल का तो आपने आंसर दे दिया भाई वाह बहुत शानदार आंसर रहेगा इसका, हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग मैंने बता दिया। अरे भारत में पूछ लेगा तो एम एस धोनी मत कर देना, स्वामीनाथन तुमको क्या पता, इन दिनों IPL देख ही रहे हो, और MS धोनी कर दो MS स्वामीनाथन की जगह। अरे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है, MS धोनी मत कर देना, ठीक है। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग स्वर्णिम क्रांति निपंक तुतेज आपका स्वर्णिम है ना, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरन, अरे नीली क्रांति है ना उसके विशाल तिवाड़ी नहीं है, नीली क्रांति के विशाल तिवाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को आपको याद करना है, और आपका नीली क्रांति का विशाल तिवाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ही शानदार लाजवाब आंसर है, अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग, हाँ भाई अमेरिका में हुआ था सबसे पहले इसका प्रादुर्भाव।
आ जाओ भाई। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया, उसका आयोजन कब हुआ? अरे विवेकानंद जी के बारे में एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको। ये शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, अमेरिका में इस धर्म सम्मेलन संसद बुलाई जाती है, और इनसे पूछा गया, भैया आप कहाँ से आए हो? सर कल CSK जीत गई। हाँ भाई कल का मैच बड़ा रोम, मतलब एक इंटरेस्टिंग मैच था ये मानिएगा। मतलब IPL देखने का मज़ा ये कि आता है कि IPL में लास्ट मोमेंट होता है ना, कुछ भी हो सकता है। IPL एक इतना शानदार गेम है कि मतलब जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें इतना इंटरेस्ट क्रिएट होता है, बस पूछो ही मत। तो चल रहा था कुछ तूफानी, मैक्सवेल था और एक और था, दोनों ऐसे चल रहे थे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को भाई ले जाएंगे पार, पर जैसे उनके विकेट गिरे और लंका लग गई, फिर तो कैप्टन माही के हाथों में आ गया मैच। आ जाओ भाई, विवेकानंद जी की बात कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पर आपको बताना है कब रहे ये आपका, सितंबर 1893 में वो जाते हैं कहाँ पर, आपके जाते हैं अमेरिका में शिकागो, एक जहाँ विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है शिकागो, वहाँ जाते हैं और शिकागो में एक धर्म सम्मेलन होता है, उस धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं कौन, आपके विवेकानंद जी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या कपड़े पहनते हो, तो उन्होंने कुछ ऐसा किसी ने कमेंट किया था, मैंने एक किताब में पढ़ा था, तो वो बोलते हैं कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ कपड़ों से ज़्यादा संस्कारों की, उस देश से का निवासी हूँ मैं जहाँ कपड़ों से ज़्यादा संस्कार, व्यक्ति के विचारों का महत्व दिया जाता है, ना कि हमारे यहाँ कपड़ों को। तो चकाचौंध में मताया करो तुम भी, देखिएगा जो आइडल हैं, जो वास्तव में जिनके द्वारा जो बात कम, इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा थी उनके पास दुनिया, जब उन्होंने बोले ना, जब उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में मेरे प्यारे भाई बहनों बोला, पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई थी, बंदा क्या टैलेंटेड है, इंडिया देश जिसकी इतनी सभ्य कल्चर है। तो इन्होंने झंडे गाड़े थे हमारे, ध्यान रखिएगा शारदा एक्ट आता है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु क्रम से कितनी कर दी गई थी, सवाल छाप लेना PTT के लिए और आपके BSTC के लिए, ऐसे सवाल आपके PTT BSTC में झंडे गाड़े हैं, ऐसे सवालों ने पहले भी काफ़ी बार रिपीट हुए और अब आगे भी रिपीट होंगे सवाल, क्योंकि पसंदीदा सवाल है PTT BSTC के। 14 और 18, 15 और 21, 16 और 22 और 12 और 16। अब आ जाओ फटाफट से बात करते हैं, बताओ देख पानी पी लेता हूँ तब तक। आ जाओ भाई, अरे यहाँ पर आंसर तो क्या जाएगा, ए आ जाएगा लाडलू, 14 और 18। अब वर्तमान में भारतीय सरकार क्या कहती है, वर्तमान भारत सरकार कहती है कि छोरा तो कितने का हो, 21 का हो, और जो अपनी लाडली है वो कितने की हो, 18 की हो। तो यहाँ पर अब वर्तमान में ये है, शारदा अधिनियम के आधार पर बात हो, यहाँ पर देखिएगा सवाल क्या है कि शारदा अधिनियम के अनुसार लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु पूछ ले आपसे, 14 यानी लड़कियाँ 14 वर्ष की होंगी और 18 वर्ष का लड़का होगा तब उसकी शादी करवा दी जाएगी। पिछले दिनों एक मुद्दा भी चर्चा में रहा था कि लड़कों क्यों ना लड़कों लड़कियों की आयु कम करा दी जाए शादी की, तो फिर क्या होता है कि उस मुद्दे पर इतना वो नहीं किया जाता, क्योंकि उससे क्या होता है मात्र जो मृत्यु दर है, क्योंकि कम उम्र में यदि लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उससे क्या मात्र मृत्यु दर और काफ़ी सारे उनका कुपोषण शरीर के कई सारे मानक हैं उनमें ध्यान रखते हुए अभी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब ये वर्तमान में अपने भारत में क्या है, 21 का लड़का होना चाहिए, 18 की लड़की होनी चाहिए, अभी ये है, और शारदा एक्ट के अनुसार पूछ ले आपसे 14 और 18, आप बता देगा। ठीक है भाई, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, अरे मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले, आपका दो मैं करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे रोजाना करंट अफेयर्स से जुड़ जाओ, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक GK वगैरह में सारा पकड़ बनवा दूंगा, आप लोग मेरे साथ जुड़ कर देखो 7 बजे करंट अफेयर्स में, बड़ा मजा आने वाला आपको। यहाँ पर देखो भाई, BR अम्बेडकर, तो अभी तो इनकी आई है भाई 132वीं जयंती, ये सवाल अभी मैंने आपको करंट में करवाया कि अम्बेडकर की 132वीं जयंती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ज्योतिबा फुले की अभी हाल ही में जयंती मनाई है, इनकी जयंती आती है 14 अप्रैल को, और ये चर्चा में है भाई, यहाँ से तुम्हारे सवाल आ सकते हैं PTT वालों, क्योंकि देखिएगा एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अब आप लोगे सर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करंट क्या होता है, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको, एक तो होता है प्रत्यक्ष करंट, एक होता है अप्रत्यक्ष करंट।
इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को कोई समझ लिया ना, सवाल उसका एक गलत नहीं होगा, पहले एक चांस में नौकरी लग जाएगी उसकी। अब सुन लो भाई, एक तो होता है प्रत्यक्ष करंट, जैसे अभी चर्चा में क्या रहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाएगी, 132वीं जयंती, ये तो प्रत्यक्ष करंट होगा। एक अप्रत्यक्ष करंट हो गया, बाबा साहब अंबेडकर चर्चा में रहा ना, तो बाबा साहब अंबेडकर ने दूसरा विवाह किसके साथ किया, बस ये सवाल पूछ लिया। अप्रत्यक्ष करंट का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड पूरी खोद के निकालना, यानी उससे रिलेटेड जो डाटा होता है ना, उससे सवाल पूछना ही अप्रत्यक्ष करंट होता है बस। और जब प्रत्यक्ष करंट, तो अब मैंने आपको बता दिया भाई 132वीं जयंती बाबा साहब के अंबेडकर की मनाई गई, और 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष इनका जन्मदिवस आता है, तो ये जयंती मनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अप्रत्यक्ष करंट, अप्रत्यक्ष से रिलेटेड जो सवाल पूछता हुआ अप्रत्यक्ष करंट। अब यहाँ पर इन्होंने दो शादी की थी, मैंने आपको सुबह को बताया था, एक तो रमाबाई से, फिर रमाबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, फिर उन्होंने डॉक्टर सविता बहन से कर लिया, डॉक्टर सविता बहन से कर लिया, सविता बहन से करके शादी, फिर उन्होंने क्या कर दिया, लो फिर शानदार वाली लाइफ जी उन्होंने, फिर अभी सविता बहन की मृत्यु हो गई थी 2003 में। अब बात करते हैं अपने सत्यशोधक समाज की, तो ये सत्यशोधक समाज है ना, आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में, ठीक है, 1873 में आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा। अब यहाँ पर भी देखो, ज्योतिबा फुले था ना, इनकी भी जयंती आई भाई, इनकी जयंती आती है 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को इनका जन्मदिवस आता है, 197वीं जयंती मनाई गई अभी, ये ध्यान रखना, इनकी 197वीं थी और आपकी बाबा साहब की 132वीं थी। तो यहाँ से आप देखो, ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम था, गुलामगिरी सत्यशोधक समाज। ये सारे क्या हैं, ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी आपका, ज्योतिबा फुले ने की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कौन समाज की, आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी आपकी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ से आपको ये गुलामगिरी इनकी पुस्तक थी, जिनमें आपका अमेरिका के जो दास थे ना, उनकी तुलना भारतीय निचली जातियों से की गई कि भाई सर कहाँ जा रहे हो भाई, क्लास बीच में छोड़ के कहाँ जा रहे हो, ऑनलाइन है तो ये थोड़ी है सर, मर्जी माए जब भग जाएंगे, नहीं एक बार क्लास में एंटर हो गए तो इसका मतलब यह है कि आपको क्लास देखनी है। आ जाओ भाई, शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया, अब बताओ भाई शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। तो यहाँ पर शुद्धि आंदोलन है ना, वो आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद, आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का था। चलो भाई आगे आ जाओ, निम्न में से क्या है भाई, सुमेलित नहीं है, मेरा तो ध्यान जाता नहीं पर, है या नहीं है, सत्य है या नहीं है, क्योंकि नहीं को जो गोला लगाना सीख गया ना, वहां से सवाल बन जाएगा। दयाराम बिल्कुल। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास प्रथा नाथ ब्रुक, शिशु वध प्रतिबंध वेलेजली और शारदा एक्ट इरविन। भाई वाह बहुत बढ़िया, सती प्रथा लॉर्ड विलियम, दास प्रथा है ना, दास प्रथा ये गलत है भाई, नॉर्थ ब्रुक नहीं आएगा, ये आपसे जो अंग्रेज आपके वॉइस आए थे इधर, तो ये दे रखे हैं, यानी किसके शासनकाल में कौन सा एक्ट बना, किस पर प्रतिबंध लगा, तो यहाँ पर बी राइट आंसर लगाया, दास प्रथा का गलत है, बाकी तीनों सत्य हैं और बी वाला गलत लगा देना। हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब आ जाओ भाई, ये देखो थोड़ा सवाल करेगा आपके दिमाग में दंगा, अब दंगा कैसे करेगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, असहयोग आंदोलन 1920, बंगाल विभाजन 1905, चोरा चोरी कांड 1922, खेड़ा आंदोलन 1928, ये गलत है भाई। अरे खेड़ा कब हुआ था, खेड़ा तो आपका ये 16-17 के आसपास हुआ था भाई, 28 दे रखा है, 1927 में तो क्या आया था, साइमन कमीशन आया था, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, चोरा चोरी कांड आपका यूपी में था, ये यूपी में चोरा चोरी कांड हुआ था, उसमें क्या था, एक थाना था, थाने को क्या फूंक दिया गया था, जो विद्रोही थे अपने, जो उपद्रवियों के द्वारा, फिर गांधी जी ने क्या ले लिया था, आंदोलन वापस ले लिया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, नहीं तो उस समय ही आज़ादी मिलने के चांस थे, एक तरह से तगड़ा माहौल बन गया था पूरे देश में, कि हम लोग कट्टर जो भावना थी ना वो भर गई थी लोगों में,
फिर क्या होता है, धीरे 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 मामला खराब हो गया भाई। तो यहाँ पर डी आंसर लगा देंगे सभी। चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही सुमेलित बताएं आप लोग। चंपारण आंदोलन 1917 में, रोल एक्ट 1919 में, खेड़ा 1918 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, और ये सभी। अच्छा अच्छा देख लो, मैंने आपको बताया था 17-18 के आसपास हुआ। तो यहाँ पर लाडो ये सारे सभी सही हैं। देखो चंपारण 1917 में हुआ, रोल एक्ट 1919 में आया, और 1919 में क्या आता है, अरे 13 अप्रैल 1919 को अभी जलियांवाला की बरसी आई थी ना, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था रे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कि नहीं हुआ था। अब यहाँ पर खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में। तो यहाँ पर ये सभी लगा देना, उपयुक्त सभी सत्य हैं भाई, उपयुक्त सभी सत्य हैं। यह उत्सव से लेकर भी सवाल आता है आपके एग्जाम में, काफी बार आया भाई उत्सव को लेकर भी सवाल आता है। और यहाँ पर भी क्या है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। क्या नहीं बताना है, कि सुमेलित नहीं है ये बताना है। कांग्रेस एक्सटेंडेड द ब्रिटिश रूल बाई 15 ईयर्स। बिल्कुल भाई। गणपति उत्सव 1893 में, अभिनव भारत 1904 में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया आपका थियोसोफिकल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया ये आपका 1905 में, नहीं थियोसोफिकल सोसाइटी तो आपका 1875 में, ठीक है, ये आपका 1905 में है। शिवाजी उत्सव नहीं भाई, ये 93 में था, तो ये शिवाजी उत्सव था ना, ये 96 में था, ये 96 में था, ये गलत है। तो यहाँ पर डी कर देना आप, शिवाजी उत्सव आ जाएगा आपका, ये 1896 में आएगा, 93 में आपका ये आता है ना, तो गणपति की तीन बात आता है शिवाजी, तो 96 में आ जाएगा, यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। अब सुन लो, कल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, कल की सूचना दे देता हूँ तुमको, कल तुम मेरे से मिलोगे 8 बजे कल क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज थोड़ा देरी हुआ टेक्निकल टीम में। और आपको क्या करना है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करके आप उसमें पीडीएफ, ये वहीं मिलेगा आपको, पीडीएफ वहीं मिलेगा, और उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज हैं वहाँ पर हमारे जो कोर्स चल रहे हैं आप हमारे कोर्सों से जुड़ सकते हो। और आपको ये पीडीएफ वगैरह जो सारा कंटेंट है मैं आपको रोजाना यहीं डिलीवर करता रहता हूँ, एप्लीकेशन में आता है हमारा। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अब हमारा एप्लीकेशन में हमारा क्लास है, वहाँ पर हम लोग आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं राजस्थान का 22-23 का, और आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपके पीटीटी और ये आपका एमसीक्यू क्लास है, पीटीटी और बीएसटीसी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। और यहाँ से, हाँ भाई बिल्कुल, क्या कह रहे हो, 1885 नहीं आएगा, गलत बता रहे हो तुम, 1885 नहीं आएगा। तो हम आपसे कल मिलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बाल गंगाधर तिलक 1853 छाप रहे हो, कभी पीछे छाप रहे हो, पता नहीं क्या कह रहे हो। चलो भाई कल मिलते हैं आपसे, कल रूबरू होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फिर रोजाना आप जुड़ जाया करो, आपकी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी का आकलन भी कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले, तो आप अपनी तैयारी का आकलन कर लो। और आपको पता है पीटीटी में तो फिर भी इतना टफ कंपटीशन नहीं है, पर बात जब आएगी बीएसटीसी की तो वहाँ तो बिल्कुल योद्धा मिलेंगे, योद्धा जो ग्रेजुएशन कर करके बैठे हैं, जिन्होंने एमए कर रखा है, बीएड कर रखी है, वो भी सोच रही है एक बार पीटीटी बीएसटीसी तो कर ही ले, जैसे आजकल डीएलडी नाम कर दिया गया उसका, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए जोश नई उम्मीद के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता का सम्मान करिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।